नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गार्डनर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कई लोग मुझसे मेरे अंगूर के प्लांट के अपडेट के बारे में पूछ रहे थे कि क्या अंगूर पक गए तथा क्या ये सीडलेस अंगूर है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आप देख सकते हैं अंगूर पकने शुरू हो गए हैं और मैंने इनमें से कुछ अंगूर हार्वेस्ट भी किए हैं। गुच्छे के सभी अंगूर एक साथ नहीं पकते, तो जैसे जैसे अंगूर पकते गए वैसे वैसे मैं उन्हें हार्वेस्ट करता गया। एक साल पहले मैंने जब ये प्लांट लिया था तो मुझे बताया गया था कि ये सीडलेस है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सीडलेस वैरायटी नहीं है, पर इसका स्वाद इतना बेहतरीन है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आजकल मेरे हर सुबह की शुरुआत कुछ अंगूर खाकर ही होती है, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ एक बुलबुल का जोड़ा भी अंगूर खाकर ही अपने दिन की शुरुआत करता है। उन्हें अपनी छत पर देखकर दिल खुश हो जाता है। आमतौर पर पहले साल अंगूर से फल नहीं लिए जाते ताकि प्लांट अच्छी ग्रोथ कर सके, और दूसरे साल से फल लिए जाते हैं। पहले साल फलन भी कम होता है, इसलिए फूल आते हैं तो उन्हें तोड़ दिया जाता है। पर क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, और न चाहते हुए भी मैंने अंगूरों को लगने दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी अंगूर प्लांट की दूसरी अपडेट। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।